नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सैनी एचपीजी सोलर फाउंडर जयपुर राजस्थान से। सोलर सिस्टम लगाने के बाद कस्टमर का कैसा रिव्यू रहता है ये जानने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं जयपुर स्थित लोकेशन पे और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनका कैसा फीडबैक कैसा रिव्यू रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर पहले आप बताइए अपना नाम अपना परिचय दीजिए और अपने कहाँ के रहने वाले और कितना किलोवाट अपना सोलर सिस्टम आपने लगाया है। सर मेरा नाम दिनेश सैनी है जी सर और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। और कितना किलोवाट आपने सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किया है सर? सर मैंने 10 किलोवाट सोलर पैनल इंस्टॉल किया है। 10 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है। तो सर ये बताइए, मैं कुछ व्यूवर्स की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो व्यूवर्स के मन में आ रहा है कि वो जानना चाह रहे हैं आपसे कि सोलर पैनल सिस्टम आपके यहाँ कितने समय से लगा हुआ है? सर मेरे 4 महीने से सोलर पैनल सिस्टम लगा हुआ है। और कितने किलोवाट सोलर सिस्टम लगा हुआ है आपके? 10 किलोवाट लगा हुआ है। और व्यूवर्स की तरफ से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, सर से पूछना चाहूंगा, सोलर पैनल इंस्टॉल करने से पहले और बाद में आपका कैसा अनुभव है? सर मेरा सोलर पैनल इंस्टॉल करने से पहले थोड़ी दिक्कतें आई थी कि किस तरह का सोलर पैनल लगाएं, किस तरह का स्ट्रक्चर लगाएं, किस से लगाएं और कौन सी कंपनी का लगाएं। जी जी जी। तो वो मैंने सर्च किया और थोड़ा जानकारों से पूछा और फिर मैंने जो भी सूटेबल वेंडर था सेवन सोलर पैनल लगवाया। तो आपने सिलेक्शन करने में किन चीजों का ध्यान में रखा, भाई आपने किस वेंडर को चुना, क्यों चुना उसको? सर पहले मैंने लोगों की राय ली थी जिन्होंने पहले सोलर पैनल लगाए हुए हैं, उनसे पूछ के ही मैंने वेंडर चूज किया था और फिर बाद में वेंडर से ही मैंने कंपनी के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में सारी नॉलेज ली। जी जी जी। और सर व्यूवर्स की तरफ से मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा, क्या आपके सोलर पैनल सिस्टम से बिजली के बिल में कमी आई है? तो अगर सर बिजली के बिल में कमी आई है तो दर्शकों को बताइए कि कितने रुपए तक की आपकी कमी आई है? सर मेरे बिजली के बिल में लगभग 100% कमी आई है। उसमें केवल ये होता है कि किसी किसी महीने में मिनिमम चार्ज होता है ना वो आ जाता है कभी कभी, और तो मेरे 100% बिजली की बचत। और व्यूवर्स की तरफ से सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेना चाहूंगा, क्या सोलर पैनल सिस्टम में किसी तरह की समस्या आई है लगाने के बाद? अगर लगाने के बाद समस्या आई है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करवाया है? सर अभी तक ऐसी कोई समस्या तो आई नहीं, टेक्निकल तो आई नहीं, पर एक क्लीनिंग की समस्या आई थी जी। तो हमने क्लीनिंग करके उसको भी दूर कर दिया। जी जी। तो क्लीनिंग का क्या सिस्टम है, आपने क्लीनिंग क्यों किया, ये कुछ थोड़ा डिटेल में बताइए। सर क्या होता है कि पैनलों पे मिट्टी की डस्ट होती है ना वो जम जाती है लेयर बाय लेयर, तो उसे हटाने के लिए अपन को क्लीन करना पड़ता है। क्लीनिंग वाटर और ब्रश से होगा, वो अगर अपन डायरेक्ट वाटर डालेंगे तो उससे क्लीनिंग नहीं होगा, ब्रश और वाटर से अपन को क्लीनिंग करना पड़ेगा, उससे वो अच्छी तरह क्लीन हो पाएगी। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सर दर्शकों की तरफ से लेना चाहूंगा, क्या सोलर पैनल सिस्टम की जो मीटर की डिस्प्ले रहती है क्या आप उसकी डेली या फिर कुछ अंतराल में मॉनिटरिंग करते हैं, और मॉनिटरिंग करते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं? सर मीटरिंग की तो डेली तो मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, पर कुछ अंतराल में हम करते हैं, जैसे 5 दिन 6 दिन के अंतराल में, और ऑनलाइन जो कनेक्ट रहता है इन्वर्टर मोबाइल से उसमें हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं। तो कितना किलो वाट आपका सोलर सिस्टम है जो कितने यूनिट डेली के जनरेट कर देता है, ये दर्शक जानना चाहेंगे। 10 किलो वाट है इन्वर्टर जो 50 से 60 यूनिट के बीच में डेली जनरेट कर देता है। अगर 50 से 60 यूनिट डेली जनरेट कर रहा है तो मैं इसका अगर अमाउंट में कैलकुलेशन करना चाहूँ दर्शकों को मैं बताना चाहूँ, 50 यूनिट में मिनिमम स्केल वाला आपसे लेता हूँ और एक यूनिट का अप्रोक्सीमेट अगर रेजिडेंशियल की बात करें 8 से 9 रुपए यूनिट आ रहा होगा, तो मैं 9 रुपए अज्यूम करता हूँ, तो डेली की 450 रुपए की यूनिट ये बना रहा है, राइट? और महीने की अगर मैं बात करूं तो 13,500 रुपए की ये बिजली ये बना के आपको दे रहा है। और ईएलडी की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये 1,62,000 रुपए की बिजली की बचत आपको करके दे रहा है। और सर इसमें आपने 10 किलो वाट सोलर सिस्टम लगाया है, दर्शक जानना चाहेंगे इसमें आपकी कितनी कॉस्ट आई है? सर मेरी इसमें सब्सिडी काट के
और 4,25,000 रुपए की कॉस्ट आएगी। 4,25,000। और व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा सर कि 1,62,000 रुपए एक साल की बचत है और इनका कोस्ट लगा है 4,25,000। ठीक है, अगर मैं 4,25,000 को 1,62,000 में डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेट ये मान के चलिए 2.62 ईयर्स में अप्रोक्सीमेट 3 ईयर कंप्लीट आपका ये पैसा आपको रिकवर हो जाएगा सोलर सिस्टम लगाने से। मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, और व्यूवर्स की तरफ से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, आपके अनुसार सोलर सिस्टम एनवायरमेंट संरक्षण में कैसे उपयोगी है वो बताइए सर। सोलर सिस्टम के अलावा और विंड एनर्जी के अलावा और जो भी अपने पास एनर्जी के स्रोत हैं वो पोल्यूशन फैलाते हैं जी, तो सोलर पैनल अगर अपन लगाएंगे तो उन एनर्जी स्रोतों की जरूरत कम पड़ेगी, तो इसमें अपन को प्रदूषण में भी फायदा मिलेगा जी जी। और व्यूवर्स की तरफ से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, और सर बताइए क्या आप अन्य लोगों को भी SBC सोलर से सोलर लगवाने के लिए क्या सिफारिश कर पाएंगे सर? कर पाएंगे क्योंकि और क्यों कर पाएंगे उसका कारण भी बताइए व्यूअर्स को। सर कर पाएंगे क्योंकि SBC सोलर के जो ओनर हैं मिस्टर दिनेश सैनी जी, वो बहुत ही अनुभवी हैं और जो भी चीज अपन को समझनी होती है बिल्कुल तरीके से आराम से बैठा के और अच्छी तरह समझाते हैं। आपने जो सोलर सिस्टम लगाया है क्या ये आंधी तूफान बारिश पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं सर, मैंने जो सोलर पैनल लगाया है वो मतलब आंधी तूफान इनसे इनको देखते हुए ही तरीके से लगवाया है। इसमें मैंने स्ट्रक्चर यूज किया है वो 2 mm थिकनेस का स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर है, मतलब अच्छी तरह लगा हुआ है, इसके कारण वो आंधी तूफान झेल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो सर ने सोलर सिस्टम लगाया स्ट्रक्चर उसमें एक प्रॉपर फाउंडेशन किया है, और फाउंडेशन करने से पहले पाइप को छत की ड्रिल में छत में ड्रिल करके और बोल्ट से उसको रोका है, और रोकने के बाद उन्होंने रोडी सीमेंट का फाउंडेशन किया है 2x2 का, ताकि वो सॉलिड अपने आप में सॉलिड बन सके और आंधी तूफान में उस चीज का कोई असर नहीं हो उस चीज पे और उठने के कोई चांसेस नहीं हो। और सर मैं अगला क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा हमारी कंपनी के द्वारा, आपके विचार से आप हमारी कंपनी द्वारा जो प्रदान की जा रही सेवाएं हैं वो आपको कैसी लगी ये दर्शक जानना चाहेंगे सर। सर मेरे को बहुत बढ़िया लगी सेवाएं, जो भी रिस्पॉन्स था बिल्कुल अच्छा था, जो भी वर्क हुआ वो टाइम पे हुआ। मैं अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज से प्रेरित होकर SBC सोलर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि आप और आपके जानकार लोग आपके रिश्तेदार लोग भी इस चीज से अप्रिशिएट हो और वो भी अपने घर में सोलर पैनल सिस्टम लगाएं, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को वह बढ़ावा दें, और आपने जिस तरह से सोचा वैसे आपके रिश्तेदार आपके दोस्त लोग आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो उस चीज को सोचे और आपके याददाश्त रहे, इसलिए SBC सोलर द्वारा आपको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया जा रहा है, और आप इस चीज को अपने घर पे रखिए और अपनी प्रमाइसेस में रखिए, ताकि अपने आपके जानकार लोग भी इस चीज से अवगत रहे और इस चीज से अवेयर रहे और वो भी अपने घर और भी जिस प्रमाइसेस पर सोलर सिस्टम लगाएं। और आपने बहुत अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।